यहाँ पर 300 वोल्टेज प्लस, ठीक है, मॉड्यूल का ये रहा मॉड्यूल, और यहाँ पर माइनस फोल्टिंग ग्राउंड ब्लैक वायर में, पीला वाला वायर ड्रेन में डाल दिए हैं ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी वाइंडिंग आता है इसके बाद, और इसके बाद यहाँ पर देखो ये डायोड है जो प्लस की तरफ डाले हैं, प्लस की तरफ डाल दिए, ठीक है, रेड वायर में, रेड वायर में प्लस की तरफ डाले हैं और उसके आगे जाने वाले सप्लाई को काट दिए, सिर्फ प्लस इसके लिए आएगा रेड वायर के लिए। और इसमें व्हाइट वायर दिख रहा है ना, व्हाइट वायर को इस ऑटो कपलर के 4 नंबर में डाल दिए हैं। ओके, हेलो फ्रेंड, एसीपीसीवी सर्विस सेंटर रायपुर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त दिलीप वारे। एक मॉड्यूल लगाएंगे, ठीक है, 5 कलर दिया है। अभी इसको हम उड़े हुए आईसी में किस तरीके से लगाएंगे ये देखेंगे, ठीक है, लगाना है इसको। तो देखिए पीसीबी है, ठीक है, मोटर का पीसीबी है, यहाँ पर एसएमपीएस ट्रांसफार्मर, ठीक है, बस इसका आईसी देखो, यहाँ से ये आईसी जो है फटा हुआ है, ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। देखिए यहाँ पर आईसी यहाँ पर फटा हुआ है। अब इस आईसी ये मार्केट में मिल नहीं रहा है, तो इसके बदले में हम इस ये वाला मॉड्यूल को लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, इसको। तो ये कैसे लगेगा ये देखेंगे। तो चलिए हम डायग्राम समझ लेते हैं। ये देखिए डायग्राम है, यहाँ पर 2 कैपेसिटर लगा हुआ है, 450 वोल्ट का स्टीआरटीओ का, ठीक है। अब यहाँ लगना है तो ये जो ग्रीन वायर है, ग्रीन वायर इसमें का, इस मॉड्यूल का जो ग्रीन वायर है वो हम यहाँ पर प्लस में रखेंगे, ये वाले को हम डायरेक्ट यहाँ पर 300 वोल्टेज है ना यहाँ पर लगाएंगे। ओके, कौन सा कलर है, ग्रीन, ग्रीन कलर यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट में। और उसके बाद इसमें का जो ब्लैक पिन है, ब्लैक वायर, ओके, ब्लैक वायर को हम यहाँ पर फोल्टिंग ग्राउंड लगाएंगे कैपेसिटर का माइनस में, ठीक है। यहाँ पर कौन सा लगेगा, ब्लैक, ब्लैक वायर यहाँ पर लगेगा। और उसके बाद इसमें तीसरा नंबर लगाना है येलो कलर, येलो कलर है, इस येलो कलर को हम देखिए प्राइमरी वाइंडिंग जो आ रहा है यहाँ से, प्राइमरी वाइंडिंग जो जाता है आईसी का ड्रेन में, यहाँ पर लगेगा, ठीक है, यहाँ पर लगेगा येलो वायर, येलो कलर यहाँ पर लगेगा, ओके, ठीक है। उसके बाद जो व्हाइट वायर है, व्हाइट वायर को देखो ये ऑटो कपलर, यहाँ पर ऑटो कपलर के 4 नंबर में लगाएंगे, ओके, यहाँ पर 4 नंबर में कौन सा लगेगा, व्हाइट, तो यहाँ पर हम व्हाइट वायर लगा देते हैं, व्हाइट वायर लगाएंगे। और एक बच गया रेड, रेड वायर यहाँ पर जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर से वोल्टेज निकलेगा 15 वोल्ट 12 वोल्ट, ठीक है, तो ये यहाँ पर से वोल्टेज आएगा तो यहां पर लगाएंगे किसको, रेड को। ये हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है मॉड्यूल। इसको बोलते हैं डीटी, डीटी ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट होगा, डायवर्ट ट्रांसफार्मर बोलते हैं जो आईसी को चलाता है। अब आईसी तो रहा नहीं, इसलिए यहां से हम इसको ये डीटी ट्रांसफार्मर द्वारा यहां से वोल्टेज होगा तो यहां से मिलेगा, ठीक है, रेड वायर में जाएगा यहां पर, समझ गए, ओके। फिर उसके बाद आउटपुट आना शुरू हो जाएगा। इस मॉड्यूल का लगाने का विधि आपको बता दिया, ग्रीन वायर में 300 वोल्टेज आएगा और ब्लैक वायर फोल्टिंग ग्राउंड, ठीक है, येलो ड्रेन में रहेगा आईसी का ड्रेन में, व्हाइट वायर ऑटो कपलर के 4 नंबर पिन में लगेगा और रेड वायर आपका डायोड में लगेगा। और यहां पर देखिए कि इस डायोड के आगे, इस डायोड के आगे अगर कहीं भी जा रहा है ये रजिस्टर लगा हुआ है तो इसको ओपन कर दीजिए, ठीक है, ओपन करने के बाद लगाइए, ये सिर्फ यहीं पर आना चाहिए रेड वायर में, ओके दोस्तों। चलो तो हम अभी प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें का आईसी निकाल देंगे बाहर, तो आईसी निकालना है प्यार से निकाल दिए, चिप वाला है, तो हम यहाँ पर पूरी तरीके से सोल्डिंग कर दिए इसको, ठीक है, और इधर भी सोल्डिंग कर दिए, उसको रोको। अब इसको हम यहां से देखो निकाल रहे हैं धीरे धीरे ना, दोनों तरफ सोल्डिंग करेंगे
तो निकल जाएगा, तो फटा हुआ है, ये निकल गया, ठीक है, ये निकल गया बाहर, ये देखो, ठीक है। अब इसको हम साफ कर लेते हैं यहाँ पर, ओके। अब हम मॉड्यूल को लगा रहे हैं, देखिए माइनस पॉइंट में ये जो माइनस दिख रहा है देखो कैपेसिटर का, माइनस माइनस में हम लगा देते हैं यहाँ पर ब्लैक वायर को, ये हमने माइनस को ब्लैक वायर में लगा दिया, रंगा रखो जी इधर, ये रख दिया, माइनस लग गया। और ये ग्रीन वायर को प्लस में, कैपेसिटर का ये देखो प्लस में यहाँ पर, ठीक है, तो ये प्लस में लगा दिए, ठीक है, प्लस में लग गया। उसके बाद हम बोल रहे थे कि ड्रेन पिन, तो प्राइमरी वाइंडिंग देखो ये प्लस वाला जो है यहाँ पर आया, फिर ये प्राइमरी वाइंडिंग घूम के यहाँ पर, मतलब इसमें लगेगा आपका येलो प्राइमरी वाइंडिंग के यहाँ पर, ठीक है, ड्रेन भी लग गया। अब इसमें का ऑटो कपलर का चार नंबर पिन, ये देखो यहाँ पर ऑटो कपलर एक नंबर दो नंबर, एक नंबर दो नंबर तीन नंबर और ये चार नंबर, ठीक है, एक दो तीन चार नंबर, तो चार नंबर पिन में डाल देते हैं इसको व्हाइट को, ये हमने चार नंबर में डाल दिया, ठीक है, देख लीजिए चार नंबर में डाल दिया ऑटो कपलर का। और यहीं पर ये देखिए ये है डाइवर डीटी से ट्रांसफार्मर से प्लस वाले चीज इधर जा रहे हैं, और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस द्वारा फिर से आगे लगा रहे हैं, तो इस रेजिस्टेंस को हम, ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है इसको रेजिस्टेंस को बाहर निकाल देंगे, ये देखिए इस रेजिस्टेंस को हमने बाहर निकाल दिया ताकि डायोड अकेला रहे, ठीक है। और इसको रेड वायर को इसी डायोड में यहाँ पर दे देंगे, लगा दिए, ओके। और कुछ नहीं करना है, 300 वोल्टेज यहाँ आएगा, फोल्टिंग ग्राउंड यहाँ पर आएगा, ड्रेन लगेगा ऑटो कपलर के चार नंबर में, और ये अपना डायोड ट्रांसफार्मर के डायोड में सिर्फ यहीं पर आएगा, वो हो गया। अब इसमें हम लाइन न्यूट्रल देते हैं, चालू होता है कि नहीं देखते हैं, ठीक है, मॉड्यूल बोलते हैं इसको। अब इसमें नंबर भी देख सकते हैं, देखो ऐसा करूंगा तो आ जाएगा, जूम लेके आ जाएगा, ठीक है, ओके, ऐसे कर देना। तो हम इसको अभी लाइन दे रहे हैं, ठीक है, लाइन कहां पर देना है देख सकते हैं, लाइन न्यूट्रल दे दिए हैं। अब इसको हम स्टार्ट करके देखते हैं कि चलता है कि नहीं, ये रहा डिस्प्ले, ठीक है, ओके, ये लाइन दे दिए, देखिए ये बत्ती जल गया और इधर भी ये डिस्प्ले चालू हो गया, ठीक है, आ जाइए। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर, नया हो तो यार सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, वीडियो लाते रहते हैं आपके हेल्पर के लिए, ओके, फिर मिलते हैं, बाय।